सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर CBSE को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड के बारे में। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन थर्ड थोड़ा सा ट्रिकी है, तो बहुत ध्यान से हमें देखिएगा कि इसमें क्या दिया। द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। मतलब हमें बेसिकली क्या दे दिया, डायमीटर दे दिया है। तो हमें पता करना है व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कुल मिलाकर हमें डेंसिटी दे दिया है और हमें भैया पूछ रहा है कि इसका मास क्या। तो बस हमें डेंसिटी वाला फार्मूला याद रहेगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए हम लोग कैसे इसको बेसिकली सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करना बहुत आसान है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, डायमीटर दिया है, कितना 4.2 सेंटीमीटर दिया है। तो रेडियस कितना होगा, इसी का आधा होगा, कितना होगा 2.1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, लेकिन अच्छा होता है डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपान वॉल्यूम। ठीक है, तो मास अपान वॉल्यूम होता है। तो देखिए हम लोग, हमको डेंसिटी दे ही दी है, वॉल्यूम हमें पता करना है, तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे कि नहीं, बोलिए आप लोग। हाँ बिल्कुल निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, बोलिए फार्मूला बताइए आप लोग। हाँ बोलिए 4/3 πr³। आर की वैल्यू रख देंगे कितना, 4/3 πx21³। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकालेंगे किसकी वैल्यू, यहाँ से आपकी वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए वॉल्यूम की वैल्यू निकल गई तो हम रख देते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे डेंसिटी की वैल्यू कितना दी बताइए आप लोग। हाँ 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर दे दिया है। तो मास निकालना है तो जानते हैं भैया, यह इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मतलब 4/3 πx²³। ठीक है, इसका आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का मास आ जाएगा। तो देखिए मैंने क्या किया, मैं फिर बताता हूँ। सबसे पहले हमें डायमीटर दे दिया था, तो हम लोग जानते हैं जब डायमीटर दिया तो रेडियस क्या होता है, उसका आधा होता है। तो वहाँ से हमने पता कर लिया भैया, वॉल्यूम पता कर ली। तो अच्छा, हमें तो फार्मूला याद है कि भैया डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी गिवन है, वैल्यूम निकाल लिया, तो मास तो हमें बस फार्मूले में रखेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, एक बार अपने से आप लोग करिएगा कैलकुलेशन, आप लोग समझ में आएगा। ठीक बच्चों, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। हमें देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज वॉल्यूम। तो कुल मिला के देखिए बात क्या कह रहा है कि भैया कि आपका जो ये मान लीजिए मून है, तो इसी का 1/4 साइज का क्या है, आपका अर्थ का डायमीटर है। तो डायमीटर मतलब ऐसे पूरा होता है। तो हम मान लेते हैं कि लेट रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ मान लेते हैं बेसिकली आर है। तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर 2r होगा। ठीक है, उसी प्रकार तो हमारा बताए मून के केस में क्या होगा। तो आपको कहा है कि मून जो है बेसिकली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द क्या है, अर्थ है। मतलब भैया कुछ इसी तरीके का है। ठीक है, मतलब कि जो भैया मान लीजिए कि मून का भैया रेडियस हमेशा छोटे होगा, तो छोटा करने के लिए मैं कह देख भैया 1/4 है, जो इसका क्या है 1/4 है, तो इसका 1/4 कितना होगा, 1/2 r होगा। हाँ ना बोलिए आपको, हाँ ना बोलिए, 2 r होगा। देखिए दो काम तो हो गया, हमने कर लिया। अब हमें देखिए अब वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना होगा बताइए आप लोग। हाँ वॉल्यूम ऑफ अर्थ होगा 4/3 πr³। r की वैल्यू कितना रखेंगे, r³ रखेंगे। उसी प्रकार बच्चों हम इस किस हम लोग अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ के बारे में। ठीक है, तो इसका कितना होगा बोलिए आप लोग। हाँ 4/3 πr³। तो आप लोग यहाँ पर r की वैल्यू रखेंगे, r तो सब यहाँ पर r का कितना रखना बच्चों। तो बच्चों अब हम वैल्यू रखते हैं, लेकिन देखिए हमने मून का तो डायमीटर निकाला है, डायमीटर 2 r है। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस बेसिकली आप मून का कितना होगा, इसी का तो आधा होगा, इसका आधा 4/4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ बेसिकली क्या निकाला, तो बेसिकली ये हमारा डायमीटर आया था 2 r, तो रेडियस क्या होगा, 4/4 होगा। बस हम वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर हम लोग किसकी रेडियस रखेंगे, अर्थ की रेडियस रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे मून की रेडियस। तो क्या होगा, 4/3 πr³। r की वैल्यू कितना रखेंगे, r ही रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने कंसीडर किया था r³, और इसमें क्या करेंगे 4/3 πx² का क्यूब, 4/4 का क्यूब करें कितना आएगा बोलिए आप लोग। हाँ तो 4³ यही आएगा, और 4 का क्यूब हमारा 64 आएगा, तो हमारा ये इससे कट जाएगा, 4³ से कट जाएगा। तो 1/1/64 आएगा। तो बस हम लोग जानते हैं 64 हमारा कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है। ठीक है, ऊपर आ जाए तो हमारा काम हो गया। तो 64:1 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपान वॉल्यूम ऑफ मून आए, हो सकता है हमें आंसर क्या उल्टा भी दे सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ मून अपान वॉल्यूम ऑफ अर्थ की बात करेगा तो क्या होगा,
1:60 होगा। ठीक है, एक बार आप लोग अपने से करिएगा। तो देखिए वह मैं समराइज करने की कोशिश करता हूँ क्या मैंने करवाया है। सबसे पहले मान लीजिए भैया रेडियस आपका कितनी है, अर्थ आर है, तो हमारा डायमीटर क्या होगा उसका डबल हो जाता है। लेकिन तब मून का डायमीटर हमें दिया कि भैया 1/4 है उसके डायमीटर का, तो हम डायमीटर को कंसीडर करके करेंगे। किसको कंसीडर करके करेंगे, डायमीटर कंसीडर करके करेंगे, तो यहाँ से हमारा डायमीटर आ जाएगा। फिर वहाँ से हमने रेडियस ऑफ मून निकाल लिया, बस दोनों की वैल्यू रख दी, वैल्यूम ऑफ अर्थ वैल्यूम ऑफ मून। तो आप लोग अलग अलग भी निकाल सकते हैं, साथ में निकाल सकते हैं, अगर साथ में निकालें तो अच्छे से हो जाता है। ठीक बच्चों, समझ में आया कि नहीं? हाँ ना बोलिए, नहीं समझ में आया तो डाउट है पूछ लीजिएगा।